दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके अकाउंट ओपनिंग से संबंधित कि कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया है, उसी विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक नया अपडेट आया है, ये चिट्ठी आपको दिख रहा होगा स्टेट बैंक का, 28/5/2021 को ये इशू किया गया था। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग से संबंधित क्या इसमें जानकारी दी गई है ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों के लिए। इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं एफआई में वर्टिकल का जो मॉड्यूल है अकाउंट ओपनिंग से संबंधित, तो इसमें बताया जा रहा है एफआईएम वर्टिकल जो है वो 1/6/2020 को कार्यरत हुआ था, उसी के अंडर में ये डीएसएच काम कर रहा था जो त्रिवेंद्रपुरम सर्कल में काम नहीं कर रहा था, बाकी सभी 238 जिले जो हैं उसमें डीएसएच काम कर रहा था पूरे इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीजर था वो CKYC के थ्रू DSS ही हैंडल करना शुरू किया था 1/9/2020 को, ये पहले लाइन में बताया गया है जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे जो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं उन्हें इस विषय में जानकारी मिल पाए, ग्राहकों को भी इस विषय में जानकारी मिल पाए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दूसरे कॉलम में जो बात कही गई है वो एक ऑर्डर नंबर जो था वो पहला जो ऑर्डर नंबर था वो 25/3/2021 को इशू किया गया था और दूसरा ऑर्डर नंबर 5/5/2021 को इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि DSH जो है वो बंद किया जा रहा है और जितने भी चीज थे, जो भी अधिकारी थे, जो चीफ मैनेजर FI चैनल के अंडर में जो काम कर रहे थे DSH में, वो सारे लोगों का या फिर जो भी वहाँ सामान अवेलेबल था सारे जो है RBO के अंडर में जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे, तो दूसरे नंबर कॉलम में ये बताया गया है। अब हम लोग तीसरे नंबर कॉलम को देखते हैं। तीसरे नंबर का जो कॉलम है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसमें बातें कही गई हैं उसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या ऑर्डर इशू किया गया है। इसमें बताया ये गया है कि अकाउंट ओपनिंग जो था CKYC या पासबुक प्रिंटर BC चैनल वाला जो भी था वो सारा जो है चीफ मैनेजर जो RBO के हैं उनके अंडर में ये सारा शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरे नंबर का जो इसमें जो कॉलम बताया गया है ये हमारे काम का नहीं है, ये बैंक से रिलेटेड है। तीसरे नंबर पे हमको विशेष ध्यान देना है। तीसरे नंबर का जो कॉलम है इसमें बताया गया है कि जो भी पेंडिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो आपने खोले हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा खोला गया है 31/5/2021 तक, उसको RBO के अंडर में उसको जमा कर दिया जाए, वो लोग उसका अपलोडिंग अकाउंट ओपनिंग और CKYC उन्हीं के अंडर में किया जाएगा। और फिर चौथे नंबर में ये बात बताई जा रही है कि जो भी डायरेक्ट कंट्रोल ब्रांचेस थे, कुछ ऐसे भी ब्रांचेस थे जो डायरेक्ट RBO कंट्रोल उन्हें नहीं करती थी, DSH डायरेक्ट कंट्रोल करती थी, वो सारे RBO के अंडर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये चिट्ठी है आपके सामने, इसमें कहीं भी ये बात नहीं कहा गया है कि नया स्ट्रक्चर क्या होगा अकाउंट ओपनिंग से संबंधित, ये कहां से अकाउंट खोला जाएगा, कहां फॉर्म जमा होगा, कौन इसको मेकर चेकर करेंगे, कहां पे फॉर्म जो है वो रखा जाएगा, इसके विषय में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। वर्बली एक चिट्ठी इशू किया गया है कि जो भी अकाउंट आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो भी स्टाफ जो है थे RBO DSH में उनके ट्रांसफर से रिलेटेड बातें की गई हैं, जो पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म थे, पासबुक प्रिंटर थे, जो भी सामान थे जो DSH के अंडर में रहा करते थे वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, इसके विषय में जानकारी दी गई है। तो अभी आप बिल्कुल भी अकाउंट ना खोले जब तक आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, आपके BC, आपके RBO, आपके ब्रांच के तरफ से पूरी जानकारी इस विषय में ना दी जाए। ऐसा ना हो कि आप जो है इस लेटर को पढ़ करके बिना किसी जानकारी के अकाउंट ओपनिंग फिर से खोलना शुरू कर दे और आपको भविष्य में परेशानी हो जाए, जैसे पहले हुआ करता था कि आपने अकाउंट खोल दिया थोड़ी बहुत जानकारी के साथ में और फिर आप परेशान हो गए कस्टमर का अकाउंट अपलोड कहां से होगा। तो अभी ऐसा कोई चिट्ठी में बात नहीं बताया गया है कि अकाउंट अपलोडिंग कहां से होगा, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी थोड़ी मदद कर पाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।